हेलो, नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्लास 8 साइंस के जो तीसरा चैप्टर है, सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज को, सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो नेचर से मिलता है। तो रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो ऑब्वियसली जो पहला आंसर है इसका ऑप्शन डी, कॉटन। ओके, सो पहला आंसर है कॉटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन, कॉटन, सिल्क, वुड। तो ऑब्वियसली कॉटन, सिल्क, वुड ये नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो आपका जो सिंथेटिक है वो नाइलॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नाइलॉन, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट फाइबर इज। प्लांट फाइबर के जो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एंड नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेलुलोज। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रॉ मेटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रॉ मेटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर के प्रिपरेशन में जो रॉ मेटेरियल कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दिस। सारे चीजों में, सारे चीजों से ऑप्टेन किया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क आपका वो जो कीड़ा होता है उससे सिल्क का आपका मिलता है, बट आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, रेयन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, सो रेयन, रेयन इज द ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन व्हिच ईयर वाज नाइलॉन मेड। नाइलॉन पहली बार जो सिंथेटिक फाइबर है वो पहली बार कौन से साल में बना था, वो 31, 64, 48, 50, 19, सारे 19 का बताया गया है। तो इट इज 1931, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल किसको बोला जाता है, सो इट इज एक्रिलिक, रेयन, नाइलॉन, कॉटन, एक्रिलिक। ओके, सो एक्रिलिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है किसी चीज को उठाने का या जो उसको खिंचाव को बर्दाश्त करने का, तो किसमें सबसे ज्यादा है, कॉटन, सिल्क, रेयन एंड नाइलॉन। इट इज नाइलॉन, ऑप्शन डी। इसलिए नाइलॉन का रस्सी बनता है, आपका देखा होगा नाइलॉन का रस्सी। ओके, सो इट इज नाइलॉन। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर इज। कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर इज कौन सा कॉमन वेराइटी है, इट इज टेरिलिन, पॉलीमर, विस्कॉस एंड स्पिनर्ट। तो इट इज टेरिलिन। ओके, ऑप्शन ए टेरिलिन। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, फटाफट अगर आपको कोई चीज को दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को, आप रोक के पढ़ सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर्स का जो स्मॉल यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड लेयर, मॉलिक्यूल, सेल एंड मोनोमर। इट इज पॉलीमर, मोनोमर, मोनोमर को मिलके पॉलीमर बनाता है। ओके, एक यूनिट का इसको मोनोमर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिस्टर इज मेड ऑफ ब्लेंडिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के क्या बनता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड टेरिकॉट। टेरिकॉट का शर्ट होता है, कपड़ा होता है, उससे शर्ट वगैरह ही बनाते हैं, वो थोड़ा सस्ता होता है कॉटन से। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक, वुड पल्प क्या बनाने के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर रेयन, रेयन ऑप्शन डी रेयन, जूट तो नेचुरल, वूल तो नेचुरल, फिर प्लास्टिक नहीं, रेयन बनाने में यूज में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय व्हिच दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप इज कॉल्ड, कोई मटेरियल को किसी भी शेप में मोल्ड करने का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ओके, जैसे प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी इज द ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी, ऑल ऑफ दिस, इट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ओके, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है, इट इज बॉटल्स, क्रोकरी, शूज, हैंडबैग्स, इट इज क्रोकरी, क्रोकरी मीन्स जो खाने का प्लेट बर्तन वगैरह जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलीकार्बोनेट इज यूज टू मेक क्या, पॉलीकार्बोनेट से क्या बनता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, स्ट्रॉज, बॉटल्स, जार्स, इट इज पॉलीकार्बोनेट से कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। ओके, जो सीडी है ना वो बनता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंथेटिक फाइबर्स आर क्या, ड्यूरेबल, रिंकल फ्री, इकोनॉमिकल, ऑल ऑफ दिस, इट इज ऑल ऑफ दिस, सिंथेटिक फाइबर जो है ड्यूरेबल भी है, रिंकल फ्री होता है और इकोनॉमिकल होता है, सस्ते में बन जाता है, इट इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टिक्स दैट रिटेन देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटेड हीटिंग आर कॉल्ड, जो प्लास्टिक रिपीटेड हीटिंग से अपना शेप चेंज कर सकता है और अपना क्वालिटी नहीं खोता है उसको कौन सा प्लास्टिक बोला जाता है, इट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मल नहीं, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक। ओके, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हीट कंडक्टर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वह जल्दी जो है मतलब ये नहीं होता, वो सड़ता नहीं है जल्दी, अपना नेचर के साथ मिल नहीं जाता, तो मिट्टी के साथ वो मिट्टी नहीं बनता जल्दी, जैसे एक लकड़ी डालोगे कुछ दिन में मिट्टी बन जाता है, या बहुत सारे चीज़ है, पत्ता, ये बहुत कुछ नेचुरल चीज़ें जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ओके, बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओके, सो प्लास्टिक दैट कैन रेजिस्ट फायर, प्लास्टिक जो फायर को रेजिस्ट कर सकता है उसको क्या बोला जाता है, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी एंड ड्यूरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड मेलामाइन। ओके, मेलामाइन प्लास्टिक जो हीट को रेजिस्ट कर सकता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर इनमें से कौन सा है, सिल्क। ओके, सिल्क इज ए एनिमल फाइबर, ये सबको पता है आपको, इट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सिल्क। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ व्हिच सब्सटेंसेस, तो पॉलीवुल जो है क्या मिला के बनता है, इट इज पॉलिस्टर एंड वूल, पॉलीवुल है, पॉलीवुल, पॉलीवुल में वूल तो दिख ही रहा है, बाकी पॉलिस्टर। ओके, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एंड वूल। नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टिक बैग आर जनरली मेड फ्रॉम, प्लास्टिक बैग जो बनता है वो किससे बनता है, तो ऑब्वियसली सभी को पता है पॉलीथीन, हम उसको बोलते हैं पॉलीथीन। ओके, पेट, पेट में वो बॉटल्स बनता है, पेट बॉटल इसलिए बोलते हैं ना उसको, वो बॉटल बनता है उससे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, रेयन, नाइलॉन, एक्रिलिक, नाइलॉन, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, सो स्किप करते हैं। Which material is used for making bottle and jars? Bottle and jars बनने के लिए कौन सा material use होता है? It is PET, PET. Okay? So PET bottle हम बोलते हैं इसलिए, PET jars. तो it is PET. Okay?
क्वेश्चन नंबर 26 रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन आर तो किससे रॉ मटेरियल किस रॉ मटेरियल से नायलॉन बनता है इट इज कोल वाटर एंड एयर कोल वाटर एंड एयर ओके इट इज ऑप्शन सी कोल वाटर एंड एयर ओके द प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज कॉटन कॉटन जो है प्योरेस्ट सेलुलोज फॉर्म है ओके नेक्स्ट रेयन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू वेयर इन रेयन क्लॉथ्स कौन से मौसम में पहनने के लिए ज्यादा अच्छा है या कंफर्टेबल है इट इज इन समर ओके समर के लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल है ओके कॉटन भी समर के लिए है और रेयन भी ओके फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक आर वाज सॉरी फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक वाज बैकेलाइट ओके बैकेलाइट नॉट मेलामाइन टेफ्लॉन पॉलीथीन इट इज बैकेलाइट ओके नेक्स्ट चलते हैं नॉनस्टिक कोटिंग ऑफ पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड फ्रॉम जो कुकिंग यूटेंसिल्स है तावा वगैरह या फ्राइंग पैन वगैरह उसके ऊपर एक कोटिंग डाला जाता है काला काला सा आपने देखा होगा वो जल्दी गर्म हो जाता है तो इस इज कॉल्ड टेफ्लॉन ओके उसके ऊपर लिखा रहता है आप अभी जाके भी देख सकते हैं टेफ्लॉन कोटिंग उसके ऊपर रहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5R फॉर्मूला 5R फॉर्मूला का पार्ट नहीं है इसमें से कौन सा है रिड्यूस रिसाइकल रिकवर ये सब 5R फॉर्मूला का है इट इज रीइन्वेंट जो है वो उस आर का पार्ट नहीं है ओके तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स लीड टू वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली सिंथेटिक प्लास्टिक जो है वो किसी के साथ शामिल नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और इट इज डेंजरस फॉर द नेचर सो इट इज ऑल ऑफ दिस होगा ओके तो पॉलीमर्स इन व्हिच स्मॉलर यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन स्ट्रेट अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स जो है स्ट्रेट अरेंजमेंट्स में जब एक दूसरे से लिंकिंग होता है तो इसको क्रॉस लिंक तो नहीं बोल सकते लीनियर पॉलीमर बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर भी नहीं है दिस लीनियर पॉलीमर स्ट्रेट लाइन में लिंक्ड है ओके तो ए प्लास्टिक व्हिच कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली इज कॉल्ड थर्मो प्लास्टिक इट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग नहीं थर्मोप्लास्टिक ओके इट इज ऑप्शन ए ओके अभी आज का लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं द सिंथेटिक प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स इलेक्ट्रिकल जो तार होता है और केबल्स होता है उसमें एक कोटिंग डाला जाता है सिंथेटिक कोटिंग प्लास्टिक का उसको बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग होता है या पीवीसी कोटिंग होता है राइट ओके सो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय स्टे ट्यून और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया है और लाइक बटन को दबा के जाइएगा सो थैंक यू